हम लोग आज आए हैं चंगेरी चिकन। ये पहले बाड़ा हिंदूराव में था, उसके बाद ये शिफ्ट हो गया है यहाँ पर। मैं आपको एड्रेस बता दूँगा, बाकी आपको नेट पर मिल जाएगा। और काफ़ी लोग जानते भी होंगे इसके बारे में, चंगेरी चिकन के बारे में, जो पहले बाड़ा हिंदूराव में था, यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो मेरे को तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 साल हो गए हैं यहाँ पे खाते हुए, तो अल्टीमेट टेस्ट है। बाकी मेकिंग कैसी होती है सब कुछ मैं आपको आज बताऊँगा, जो मेन शेफ़ है और जो ओनर है उनसे बात भी करवाऊँगा। फ्रेंड्स, यहाँ का सेटअप है बहुत सिंपल है, लेकिन जो चंगेरी चिकन है यहाँ का वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, कहीं आपको ऐसा खाने को नहीं मिलेगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सेटअप है यहाँ का, ये मेन किचन है चंगेरी। फ्रेंड्स, ये मेन रोड है, बिल्कुल मेन रोड पे है ये लोकेशन, और ये रोड सीधा झंडे वाला की तरफ जा रही है। यहाँ से सीधा, यहाँ से सीधा राइट मोड़ेंगे तो झंडे वाला मंदिर है। अल्टीमेट है, पूरी दिल्ली में ऐसा कहीं टेस्ट नहीं मिल सकता। कब से खा रहे हो आप? अभी टाइम हो गया 15 से 20 साल से हो गए हमको। तो मेरे को भी उतना ही हो गया है। तो बहुत बढ़िया, जब जब भी चंगेरी खाने मतलब यहीं चले गया। ऐसा चंगेरी मिल सकता है पूरी दिल्ली मतलब में? दिल्ली में जाओ नहीं मिल सकता, कहीं भी इंडिया में चले जाओ आप चंगेरी एक ही है। अशोक विहार में भी है, भी है, मैं खाया हुआ है, बट यहाँ का सबसे अल्टीमेट यहाँ का टेस्ट है, वहाँ का यही है। बहुत बढ़िया, मेन ब्रांच यही है, पैसे वसूल। फ्रेंड, ये यहाँ के बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं, नाम क्या है? कासिम खान। कासिम भी बहुत पहले से काम कर रहे हैं, उनको जानते हैं, उन्होंने बहुत खिलाया हमें चंगेजी। अभी भी यहीं पे मज़ा आ रहा है, मतलब लोगों को चंगेजी खिला के। 10 साल हो गए, ज़्यादा हो गए हैं? हो गए कम से कम 20 साल। 20 साल हो गए हैं ना, क्योंकि मेरे को भी खाते हुए इतना टाइम हो गया है, वहाँ से आ रहा हूँ। आपका नाम? हमारा सर मोहित यादव। कितना रश रहता है, रोज ही रश होता है कि वीकेंड में ज़्यादा? ठीक ठाक होता है, बढ़िया होता है। वीकेंड में ज़्यादा रश होता है? और सेटिंग यहाँ ऊपर एसी है सारी? फर्स्ट फ्लोर सेटिंग है, ट्रिपल एसी। फैमिली और सब सेम है क्या? सर फिलहाल में कॉमन ही है। हाँ क्या बताओ भाई? बहादुरगढ़ से स्पेशल आते हैं हरियाणा से खाने के लिए। अच्छा, कितना टाइम हो गया? 10 किलोमीटर मेरे को 10 साल हो गए भाई साहब खाते हुए, 2009 से लेकर। सिर्फ चंगेजी खाते हो? चंगेजी, और ये इनका फ्राई, और ये लॉलीपॉप चिकन। अच्छा, सब बढ़िया है। सबसे बेस्ट चंगेजी, ग्रेवी में तो चंगेजी बेस्ट। और दिल्ली में कहीं भी, हरियाणा में कहीं मिलता है ऐसा? ऐसा कहीं नहीं मिलेगा चंगेजी का कंपेरिजन नहीं है। आपका नाम? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 18-19 साल हो गए। 18-19 साल हो गए। अब यही मेन आपका यही है फ्राई का? फ्राई का ही है। फ्रेंड से खमीरी रोटी लग रही है जो चंगेजी के साथ सर्व की जाती है, इसके बिना चंगेजी का मज़ा अधूरा है। फ्रेंड, ये आसपास का माहौल है, बहुत रश रहता है यहाँ पर। एक तो ट्रैफिक वैसे ही बहुत है और चंगेजी की वजह से, और गाड़ी लगाने की थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम है, वो आपको पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। देखिए कंजस्टेड है थोड़ी जगह, ये छोटी गाड़ी लाएँगे तो बढ़िया है। कितने टाइम से खा रहे हैं आप? महीने में 2 बार आता हूँ, पहले हफ्ते में 3 दिन आता। अच्छा, हफ्ते में 2 बार खाते हो? 4 साल पहले रेगुलर आते थे, हफ्ते में 3 दिन आते। गर्म गर्म खाना ज्यादा है, गर्म गर्म खाना कोई फायदा नहीं है, यही खाने का फायदा है। ये दिलशाद भाई हैं, ये भाईजान के अंडर काम सीख रहे हैं, बनाते यही है सारा कुछ उनकी गाइडेंस में, वो सुपरविजन करते हैं, और ये जो काम है ग्रेवी को करने का वो सारा चीज़ यही करते हैं। फ्रेंड, देखिए ग्रेवी का कलर आना शुरू हो गया है धीरे धीरे, अब ये ग्रेवी को पकाया जा रहा है। फ्रेंड, से चिकन डल गया इसके अंदर, ग्रेवी के अंदर। कढ़ाई में 50 चिकन डलेंगे कटे हुए,
एक ग्रिल्ड हो रखे हैं ग्रिल्ड वाली मशीन से पूरे, वो देखिए बुलाए जा रहे हैं पीसे सारे, और ये करके डाले जा रहे हैं सारे के सारे इकट्ठे। अब इनको ग्रेवी में अच्छी तरह मिक्स किया जाएगा ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, ताकि उसके अंदर भी ग्रेवी का टेस्ट आए। भाई जान आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? भैया हम 1997 से हैं। 97 से यहाँ पे हैं। पहले हमारी ब्रांच 12 इंद्रों में था, टांगे स्टैंड पर। वहाँ पर जगह थोड़ा कम होने की वजह से भीड़भाड़ की ज़्यादा दस था वहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर हमने शिफ्ट करा। हमें हो गए लगा लो हिसाब 25-26 साल तो हो गए। 26 साल। और जो लोग पूरे दिल्ली के दीवानी है जिस चंगेजी के, उसके आप एक्सपर्ट हैं? 50 केजी चिकन है और 60 केजी ग्रेवी है इसमें। 50 केजी चिकन और 60 केजी ग्रेवी। हाँ अच्छा, टोटल हो गया 110 किलो। चले बेटा। अच्छा अभी जो यहाँ का सीक्रेट मसाला है गर्म मसाला, ये एंड में डलेगा भुनने के बाद? जब रेडी हो जाएगा चंगेजी पूरा तरह से तैयार हो जाएगा जब डलेगा। 50 किलो चिकन और 60 किलो ग्रेवी है, इस तवे के ऊपर है देखिए आप। 100 किलो माल है तवे के ऊपर। फ्रेंड्स आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ यहाँ पे जो लग रही हैं। मटन सीख, चिकन सीख, ये हैंडमेड वाला है। ये देखिए हैंडमेड मटन, ये देखिए फ्रेंड पूरा पेस्ट बना हुआ है चिकन सीख का, और ये हैंडमेड बनता है यहाँ पर, फ्रीजर वाला नहीं है। अगर आपको अच्छा चिकन सीख खाना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। चंगेजी तो है ही, यहाँ का बेस्ट है पूरे दिल्ली का। फ्रेंड्स ये खमीरी रोटी है, तैयार हो रही है, ऊपर जा रही है चंगेजी के साथ सर्व होने के लिए। रू गरम गरम मक्खन लगा के ये खमीरी लग रही है देखिए आप, गरम गरम पूरा सरूर में आ चुका है यहाँ पर, सारा रश हो गया है। पहले तो एक आध एक लग रही थी, अब 8-10 इकट्ठे लग रहे हैं। बात पूछ रही जैसे ये बन रहा होता है तो आप लोग टेस्ट चेक करते हैं नमक? हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, बाई चांस ज़्यादा हो या फिर कम हो, बिल्कुल परफेक्ट होने के बाद ही, कम्प्लीट होने के बाद ही, मतलब जब आपको लगता है नमक बिल्कुल ठीक है तब आप नमक डालना छोड़ दे तो नमक डलता रहता है। हम उसके अपना गुंजाइश करते हैं ज़्यादा ना हो, उतना हो ताकि डालना पड़े, ताकि जरूरत पड़े तो बाद में हम करते हैं, बाद में ऐड कर सकें। कितने टाइम से खाने आ रहे हो? यहाँ खुला है कि उधर बाड़े में था जब से? पहले था, 20 साल हो गए होंगे खाते हुए। कैसा है? है? और दिल्ली में कभी खाया है ऐसा टेस्ट? मिलता है कहीं भी? और अच्छा फ्रेंड से मसाले डालने शुरू हो गए हैं, ये देखिए ये इनके सीक्रेट मसाले हैं, ये पूरा पकने के बाद डालने शुरू होते हैं, ये देखिए। अब आएगा इसके अंदर जो एक्चुअल टेस्ट है इसका, सबसे बढ़िया जो पूरे दिल्ली में मशहूर है। हाय फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और चंगेजी चिकन भी बहुत बढ़िया लगा होगा आपको। टेस्ट करिएगा, अजमाई हुई चीज़ है, 15-20 साल से खा रहा हूँ तो इसलिए व्लॉग बनाया है। यहाँ आइए खा के देखिए, गरम गरम मंगाइएगा, ठंडा मत खाइएगा क्योंकि ठंडे का मज़ा नहीं है। बिल्कुल उबलता हुआ गरम जब आता है उसकी ग्रेवी अलग ही स्वाद है, चिकन से ज़्यादा ग्रेवी की डिमांड है यहाँ पे। लोकेशन आपको पता आप मिल जाएगी, चंगेजी चिकन करोल बाग में है ये, तो टेस्ट करके बताइए मेरे को जब जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको। और खमीरी रोटी के साथ ही लीजिएगा, रुमाली वगैरह मत दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।